हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास फोर्थ मैथ्स। टुडे वी नो अबाउट सम रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं और हिंदू न्यूमरल्स क्या होते हैं। हिंदू न्यूमरल्स हम कहते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, उनको ही हम हिंदू अरबिक भी कहते हैं या हिंदू न्यूमरल्स भी कहते हैं। और रोमन न्यूमरल्स कौन से होते हैं, जैसे हमारी क्लासेस 1, 2, 3, 4 हम राइट करते हैं इस टाइप से, वो या तो आप ले लो या फिर पेजेस के नंबर्स या कभी कभी हम क्वेश्चन के नंबर्स भी इस टाइप से राइट करते हैं, तो इनको कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स राइट करने के लिए हमारे पास होते हैं 7 सिंबल्स। कितने सिंबल्स होते हैं? 7 सिंबल्स। वो सिंबल कौन कौन से हैं देखते हैं। आई वी एक्स, कौन कौन से? आई वी एक्स, LCDM, ठीक है, IVX, LCDM। तो I means 1, V means 5, X means 10, then LCD, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000। तो इस तरह से हम सीरियल से इनको लर्न कर सकते हैं। और जब हम इनको रिपीट करते हैं, जब ये न्यूमरल्स रिपीट होते हैं, इसका मतलब है कि हमें उन्हें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। ये ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूमरल, ये जो सिंबल होते हैं, ये सिंबल कोई भी 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं करते। खाली 3 टाइम्स हम इनको लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर कोई भी छोटा न्यूमरल लेफ्ट साइड है तो वो माइनस होता है, अगर राइट साइड में लिखा है छोटा तो उसको ऐड करते हैं। दूसरा कि ज़ीरो की हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, रोमन न्यूमरल में ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं बनाया गया है। देर इज़ नो न्यूमरल फॉर ज़ीरो। तो ये 7 न्यूमरल्स हमारे पास हैं, इन्हीं को यूज़ करके हम पूरी काउंटिंग्स बनाते हैं। और ये 7 लेटर्स ही, ये 7 सिंबल्स ही हमें पूरे रोमन न्यूमरल्स बनाने में हेल्प करते हैं। जीरो का कोई सिंबल नहीं होता है। और इसमें से रिपीट कौन कौन होते हैं, देखो, एक छोड़ के एक, आई रिपीट होता है, एक्स रिपीट होता है, सी रिपीट होता है और एम रिपीट होता है। बाकी ये जो नंबर्स है वी, एल और डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होते, इनका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं तो कल हम जो एक्सरसाइज है रोमन न्यूमरल्स पे उसको कंप्लीट करेंगे। लर्न दिस एंड राइट दिस 7 सिंबल्स इन योर नोटबुक। थैंक यू।